हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीकेबी एजुकेशन में। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचएयू एप्लीकेशन फॉर्म 2024 के अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो कौन कौन से रहेंगे, ताकि आप टाइमली से उन सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लें और जब भी आप इसका फॉर्म अप्लाई करें तो आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे रखी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो एचएयू के अंदर मेनली ग्रेजुएशन बेस प्रोग्राम होता है जिसको यूजी बोलते हैं, एक पीजी कोर्स रहता है। तो अगर मैं बात करूं मेनली सिक्स ईयर प्रोग्राम जो आपका टेंथ बेस के ऊपर होगा, और एक होता है आपका फोर ईयर प्रोग्राम बीएससी एग्रीकल्चर की हम बात करें स्पेशली यहाँ पे। और फोर ईयर प्रोग्राम और सिक्स ईयर प्रोग्राम के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले है आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट, यानी आपके टेंथ की डीएमसी आपके पास होनी चाहिए। तो कुछ बच्चों का रिजल्ट नहीं आया होगा तो वो क्या है, आप अपियरिंग में डाल सकते हैं। और अगर आपका रिजल्ट आ जाता है उसके बाद में क्या है, आप उसका रिजल्ट अप्लाई वहां पे कर सकते हैं, रिजल्ट का फोटो है वो अपलोड कर सकते हैं अगर तब तक आपकी डीएमसी नहीं आती है। तो ये था मैट्रिक सर्टिफिकेट। जो बच्चे फोर ईयर के अप्लाई करेंगे उनके पास तो टेंथ की डीएमसी होगी, ठीक है। और जो बच्चे सिक्स ईयर के लिए अप्लाई करेंगे अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो आप अपियरिंग में भी डाल सकते हैं, और जब आप काउंसलिंग के टाइम जाओगे तो वहां पे क्या है आपको ये डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, तब तक के लिए आपकी डीएमसी है वो आ जाएगी। तो इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका रिजल्ट आया हो ना आया हो वो अपीयरिंग में अप्लाई कर सकते हैं, ये काफी बच्चों का डाउट था। दूसरा है, अगर आप फोर ईयर के लिए हैं तो आपको क्या है ट्वेल्थ की डीएमसी, यानी टेंथ की डीएमसी तो कंपलसरी है, दूसरी क्या है ट्वेल्थ की डीएमसी होनी चाहिए, और आपका एचबीएससी का रिजल्ट आ चुका है ट्वेल्थ का, तो आप रिजल्ट अपलोड कर सकते हैं, आपकी डीएमसी नहीं आती है तब तक, ठीक है। और अगर कोई रिजल्ट नहीं आया है और दूसरे बोर्ड से है तो आप अपीयरिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा। जब भी फॉर्म आएंगे पूरी डिटेल आपको बताई जाएगी किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप। तो जल्दबाजी ना करें एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, आपके पास काफी टाइम है, वीडियो आपको चैनल पे मिलेगी, एक एक स्टेप आपको समझाया जाएगा, क्योंकि बच्चे क्या है गलती कर देते हैं, बाद में बोलते हैं कि हमसे ये गलती होगी, नेम के अंदर गलती हो गई, ये डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया। तो जब भी वीडियो हम डालेंगे पूरी डिटेल के अंदर आपको एक एक डाउट आपका क्लियर किया जाएगा, उसके बाद में ही आपको क्या है फॉर्म को अप्लाई करना है। दूसरा पॉइंट, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ट्वेल्थ की डीएमसी। नेक्स्ट है करेक्टर सर्टिफिकेट, आपको करेक्टर सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा। करेक्टर सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए आपको सबसे पहले तो बात ये आती है कि करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा आपको, तो जिस इंस्टीट्यूट से आपने रिसेंटली पास किया, मान लो आपने 10वीं पास की है तो स्कूल से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने प्लस टू की पास किया तो आपको वो भी सर्टिफिकेट है वो कहाँ से मिलेगा, आपको स्कूल से ही मिलेगा। तो स्कूल से जो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट मिला है वो आपको अपलोड करना है, तो आप अभी जाके स्कूल में इस डॉक्यूमेंट को लेके आ सकते हो, आपको करेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल वाले बना के दे देंगे, वहां पे आपका नेम वगैरह सब कुछ लिखा होगा, फॉर्मेट हर स्कूल का अलग अलग होता है और वो स्कूल के ऊपर उसके ऊपर स्टैंप और साइन लगा के दे देंगे, तो वो ओरिजिनल आपको अपलोड करना पड़ेगा करेक्टर सर्टिफिकेट। और जो करेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो ओरिजिनल ही आपको देना पड़ता है काउंसलिंग के टाइम पे। तो यहाँ पे क्या है आपको उसको, ये नहीं है कि आप फोटो कॉपी करा के रख लिए और जो ओरिजिनल है वो आप कहीं घुमा दो या क्या है कहीं और दे दो, तो जब भी आपका एडमिशन होगा काउंसलिंग के टाइम पे आपको ओरिजिनल करेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके बाद में कई बच्चों का होता है गैप, है ना, जो गैप ड्रॉप लेके तैयारी कर रहे हैं तो उनको यहाँ पे क्या है गैप ईयर सर्टिफिकेट या फिर एफिडेविट भी बनाना पड़ता है। तो ये आप इजिली तहसील में जाके गैप ईयर का एफिडेविट बनता है, वहां से नोटरी से साइन करवा के इजिली आप इसको बनवा सकते हो। जो भी आपकी नियरेस्ट तहसील लगती है वहां पे जाके, और जो बाहर बैठे होते हैं नोटरी वाले उनको बोल देना गैप ईयर एफिडेविट बनाना है, तो वो आपको बना के दे देंगे, ठीक है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। उसके बाद में है, अगर आप बीसी कैटेगरी के हैं, बैकवर्ड कैटेगरी, चाहे वो बीसी ए हो चाहे बीसी बी हो या फिर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, तो वो आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा काउंसलिंग के टाइम भी, आपको ये ओरिजिनल लेके जाना पड़ता है वहां पे। तो अगर आपने ये सर्टिफिकेट नहीं बनवाए हैं बीसी ए बीसी बी और अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हैं तो जल्दी से जल्दी अपने जो सर्टिफिकेट है उसको तैयार करवा लें। उसके बाद में है इनकम सर्टिफिकेट, क्या है इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट की बात करें तो ये इजीली बन जाता है, अब आपकी फैमिली आईडी से लिंक होता है सब कुछ, डाटा आपकी इनकम है वो फैमिली आईडी में है, तो आप जो भी सीएससी सेंटर पे जाके और वहां पे उनको बोलोगे इनकम सर्टिफिकेट तो वो क्या है एक दो दिन में ही बन जाता है, अब आपको ना पटवारी वगैरह के साइन करवाने की जरूरत नहीं होती है, ऑनलाइन ये निकल जाता है, तो आप इसको भी तैयार करवा लीजिएगा, एक दो दिन में हो जाता है। उसके बाद में हरियाणा रेजिडेंस, हरियाणा रेजिडेंस भी आपको क्या है डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ेगा, ताकि आप वहां पे काउंसलिंग के टाइम में आपसे ये डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं कई बार, ठीक है। तो वैसे भी एलिजिबिलिटी है कि ओनली हरियाणा के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थी जो मैंने आपको बता दी, टेंथ की डीएमसी, रिजल्ट नहीं आए तो अपीयरिंग में अपलोड कर सकते हैं, बाद में आप डॉक्यूमेंट वहां पे दे देना,
ट्वेल्थ का यही सीन है। उसके बाद में कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको स्कूल से लेना पड़ेगा, बीसीए बीसीबी का ये सर्टिफिकेट आपको क्या है सीएससी सेंटर से बनवाना पड़ेगा अगर आपके पास नहीं है। तो ये थी आपके कुछ इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। आई होप आपको पता चल गया होगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो एक बार के लिए लगेंगे। इसके अलावा आपको फोटो लगेगी, क्या लगेगी फोटो। तो आपके पास अगर पासपोर्ट साइज फोटो नहीं है, पासपोर्ट साइज फोटो नहीं है तो वो तैयार करवा लीजिए नई फोटो। उसके बाद में आपका एक साइन अपलोड होगा, क्या होगा साइन वो। उसके बाद में आपका एक थंब इम्प्रेशन है वो अपलोड होगा। तो ये तो आपको यह इजीली जब भी आप फॉर्म भरोगे तो वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। ये कुछ इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट थी। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट के थ्रू आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसके लिए तैयारी करना चाहते हैं, आई होप आप तैयारी कर रहे होंगे काफी दिन से, मैंने काफी वीडियोस भी डाली है स्ट्रेटेजी के ऊपर, कहाँ से तैयारी करें, किस तरीके से करें। तो आपने अगर वो रूटीन फॉलो किया है तो आपकी तैयारी बढ़िया तरीके से चल रही होगी। और अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं स्टार्ट की है या फिर आपने सिलेबस कर लिया है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट देना चाहते हैं और प्रीवियस ईयर पेपर करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है बच्चों, सिंपली यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पे आपको एक पीकेबी एजुज्ञान नाम से एप्लीकेशन मिलेगी। वहां पे आपको एक एचएयू 4 ईयर प्रैक्टिस बेस मिल जाएगा, एचएयू 4 ईयर प्रैक्टिस बेस, जिसके अंदर आपको पिछले 5 साल के पेपर्स मिलेंगे, वीकली टेस्ट सैंपल पेपर मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, प्रैक्टिस मोस्ट टेस्ट मिलेंगे। तो काफी कुछ कंटेंट रहेगा जो कि आप सभी के लिए क्या रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी तैयारी के लिए। यहाँ पे देख पा रहे हैं मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के लिए यहाँ पे कंटेंट दिया गया है। और आपको पता होगा 200 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स का पेपर रहता है, आपको उसी के अकॉर्डिंग आपका ये पोर्टल के ऊपर सारा का सारा टेस्ट है वो डिजाइन किया गया है। प्रीवियस ईयर पेपर की आपको पीडीएफ मिल जाएगी जहाँ से आप आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं कि पिछले सालों के अंदर पेपर कैसा आ रहा है और मुझे किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे काफी ऑनलाइन टेस्ट है, मॉक पेपर है, प्रैक्टिस टेस्ट है, वीकली टेस्ट मिलेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी जाइए, इसके अंदर इनरोल हो सकते हैं, ठीक है, टेस्ट के अंदर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।